झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में बुधवार रात को रैगिंग को लेकर छात्रों के दो गुटों में विवाद हो जाता है। दरअसल बीटेक के सीनियर छात्र जो है वो जूनियर स्टूडेंट्स को इंट्रो लेने के लिए हॉस्टल बुला रहे थे। मना करने पर शाम के समय सीनियर छात्रों ने घेराबंदी कर जूनियर छात्रों को जमकर पीट दिया। दरअसल लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बाद अब झांसी जिले का बुंदेलखंड विश्वविद्यालय भी विवादों को लेकर सुर्खियां में आ चुका है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में रैगिंग के विरोध में छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए, हाथापाई शुरू हुआ, जिसके बाद यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों के बीच जमकर पत्थर चले। लाठी डंडों से भी छात्रों ने एक दूसरे पर हमला किया। इस झड़प में कई छात्रों के सर फट गए तो एक दर्जन से ज्यादा जो छात्र हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना से आक्रोशित जूनियर छात्र जो है वो सीनियर्स पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। इधर दूसरी तरफ कुल सचिव विनय कुमार सिंह ने बताया कि यह उत्पात रैगिंग से जुड़ा नहीं है। एग्रीकल्चर और बीटेक के छात्रों के बीच ऑडिटोरियम में चल रहे कार्यक्रम के दौरान किसी बात को लेकर बहस हुई, इसके बाद लॉर्ड बुद्धा और शिवाजी नगर के निजी हॉस्टल के छात्रों के बीच पथराव शुरू हो गया। तो छात्रों के दो गुटों में यहां पर जमकर हिंसा हो जाती है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की तस्वीरें। यहां छात्रों के जो दो गुट हैं उनमें हिंसक झड़प हो गई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बताया जा रहा है कि पूरा मामला जो है वो रैगिंग से जुड़ा हुआ है। हालांकि जो कुल सचिव है कॉलेज के, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि यह मामला रैगिंग से जुड़ा हुआ नहीं है, आपसी बहसबाजी में यह पूरी घटना हुई है। हालांकि इस पूरी घटना के दौरान कई छात्रों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, कई छात्र जो है इनके सर भी फटे हैं। तो हमारी क्लास के जो हॉस्टल में रहते हैं उन्होंने हमारी फोटोज और वीडियो बना दी थी कि ये बच्चे हैं जो मना करते हैं, और क्लास का सीआर भी है। ठीक है, आज हम जब दोबारा गए थे, आप हरे कृष्णा वाले उनका नंबर भी आप उनसे बात कर लीजिए, वो भी खड़े हुए थे। हमने बोला सर ऐसा कुछ नहीं है। जब बाहर निकले तो पूरा का पूरा हॉस्टल, कम से कम 70 से अच्छे जितने भी टोटल बच्चे थे पूरे हॉस्टल में, वो सब बाहर खड़े हुए थे। हम जैसे बाहर निकले उन्होंने सब ने हमें घेर लिया। मेरे साथ मेरे सीनियर्स भी थे, लेकिन सीनियर्स मुश्किल से 5 से 7 होंगे। हम जल्दी से भगकर आए, मेरे पैर में चोट लगी इस टाइम, टूट रहा है मेरा पैर, और मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने बचाने की कोशिश करी तो उनका पूरा सर वगैरह वो फट गया है, वो हॉस्पिटल में। मेरे साथ का बैचमेट है, उसका हाथ का पूरा हाथ टूट गया है, उसका एक्सरे है। अब ऐसे थोड़ी होता है सर, आए हुए 1 महीना नहीं हुआ, हम ऐसे रहेंगे? ऐसे यूनिवर्सिटी में हमने एडमिशन लिया है क्या? जेई वगैरह हम ऐसे एग्जाम्स क्लियर करके यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमारे साथ ऐसा होगा तो क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्यों हमने बीटेक की? कंप्यूटर साइंस एक प्रोफेशनल डिग्री है, उसके लिए हम ऐसे आएंगे यहाँ पे? बात है, ये मामला है यहाँ पे हॉस्टल के लड़के और जो सिटी में रहते हैं उन लड़कों के बीच में, और जूनियर और सीनियर स्टूडेंटों के बीच में। तो आज सीनियर स्टूडेंटों ने कुछ जूनियर स्टूडेंटों के साथ मारपीट कर दी, उसी को लेके विवाद हो गया था। उसमें जूनियर स्टूडेंटों के तहरीर के आधार पर अभियोग दर्ज कर दिया गया है, वैधानिक कार्रवाई करने का आश्वासन दे दिया गया है। वो इस समय शांत है, सब लोग शांति हो।